Today we are going to study class 1 English subjects. आज हम इस वीडियो में English subjects पढ़ने जा रहे हैं और आपके chapter का नाम है Mice are Nice. आपके chapter का नाम Mice are Nice है. आप अपना book भी open करके page number 14 semester 2. आज हम चूहे के बारे में पढ़ेंगे कि चूहे बहुत ही अच्छे होते हैं. क्या आपके घर में चूहे हैं और जो आपको अच्छे लगते हों? चूहे अच्छे तो दिखते हैं लेकिन वो सामान को अगर बर्बाद करते हैं तो बहुत ही बुरे हो जाते हैं. तो आज हम इस वीडियो में माइस और नाइस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब माइस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, चूहे बहुत ही अच्छे होते हैं. तो आइए रीड करते हैं. I think mice, मेरे साथ आप भी रिपीट करेंगे. I think mice, मतलब मैं सोचता हूँ कि चूहे are rather nice, है ना. मैं सोचता हूँ कि चूहे बहुत ही अच्छे होते हैं. Their tails are long, उनके पूंछ लंबी होती है. Their faces small, उनके चेहरे छोटे होते हैं. फिर से पढ़ेंगे. I think mice are rather nice. Their tails are long, their faces small. मैं सोचता हूँ कि चूहे तो बहुत अच्छे होते हैं, उनके लंबी पूंछ होती है, उनका चेहरा जो होता है छोटा होता है. They haven't any chins at all. Chins का मतलब होता है ठुड्डी. ठुड्डी मतलब उनके शरीर में ना एकदम शरीर उनका लचक लचीला होता है, एकदम कहीं भी आपको हार्ड नहीं है. उनको आप पकड़ोगे ना तो एकदम सॉफ्ट, कहीं भी आपको टाइट नहीं, हड्डी जैसा नहीं है. तो उनके शरीर में कहीं भी उन लोगों के चिन्स नहीं होते हैं, ठुड्डी नहीं होते हैं कहीं भी. एकदम सॉफ्ट होते हैं, एकदम उनका शरीर एकदम लचीला होता है. Their ears are pink, उनके आँख पिंक होते हैं. Their teeth are white, उनके दांत वाइट होते हैं. They run about the house at night. वे लोग रात को चारों ओर दौड़ भाग करते हैं. The nibbles things they should not touch. वे लोग सारे सामानों को धरते रहते हैं जिनको उन लोगों को छूना नहीं चाहिए. जो उनको नहीं छूना चाहिए वो सब सामानों को वे लोग कुतरते रहते हैं, बैठकर रात में दौड़ भाग करते रहते हैं. No one seems to like them much. और कोई भी लोग उनको देखकर पसंद नहीं करता, उनको देखकर अच्छा नहीं देखता, मतलब उनको पसंद नहीं करता. जो सामानों को कुतरने लगते हैं, सामान को बर्बाद करने लगते हैं, तो उन सभी को देखकर लोग उनको पसंद नहीं करते हैं. लेकिन मैं सोचता हूँ कि चूहे बहुत ही अच्छे होते हैं. बाकी लोग तो उनको पसंद नहीं करते हैं लेकिन मैं सोचता हूँ कि चूहे बहुत ही अच्छे होते हैं. इसके लेखक कौन है? रोज फ्लेमेन जो है ये लिखते हैं कि चूहे बहुत ही अच्छे होते हैं. तो आप फिर से हम एक बार और रीड करते हैं और आप फिर से रीड करिएगा. आई थिंक माइस आर रेदर नाइस. देयर टेल्स आर लॉन्ग, देयर फेसेस स्मॉल. दे हैवंट एनी चिन्स एट ऑल. देयर ईयर्स आर पिंक, देयर टीथ आर वाइट. They run about the house at night. The nibbles things they could not touch. And no one seems to like them much.
बट आई थिंक माइस आर नाइस। ठीक है, तो इस तरह से चूहे के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि चूहे बहुत अच्छे होते हैं, उनकी लंबी पूंछ होती है, उनके चेहरे छोटे होते हैं, उनके शरीर में कोई भी प्रकार की टुड्डी नहीं होती है, मतलब वो एकदम मुलायम जैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं उनके छूने से, उनकी आँख पिंक होती है, उनकी दांतें वाइट होती है, और वे लोग चारों तरफ घर में रातों को दौड़ भाग करते रहते हैं और सामानों को कुतरते रहते हैं जिनको उन्हें नहीं छूना चाहिए, और ये सब चीज़ देखकर अदर लोग जो हैं, दूसरे लोग जो हैं, उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि चूहे बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये है, आप इस तरह से बुक रीडिंग करें। आइए, इससे रिलेटेड कुछ स्टोरी, मतलब एक्सरसाइज है। टिक द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। टू ऑप्शन दिए हैं, सेंटेंस को पढ़ेंगे, जो ऑप्शन सही है उसमें टिक करेंगे। तो पहले समझेंगे, द ईयर्स एंड टीथ और माइस। चूहे के जो दांत और आँख हैं कौन से कलर के हैं, ब्राउन एंड वाइट या पिंक एंड वाइट। पिंक उसकी आँख है और वाइट उसकी टीथ है, पिंक एंड वाइट। माइस डू नॉट हैव एनी, माइस कुछ भी नहीं करता। चिंस, एट नाइट माइस रन अबाउट हाउस, घर में चारों ओर रातों को वो दौड़ भाग करता है। कंप्लीट दिस सेंटेंस इन योर ओन वर्ड। इस सेंटेंस में अपने वर्ड्स को भरना है। इफ अ माउस केम टू माई हाउस, अगर मेरे घर में कोई चूहा आ जाता है तो आप उसके को क्या करेंगे। आई वुड नेम, उसका नाम क्या रखेंगे। मैं तो टॉनी रखती हूँ। ही वुड प्ले विथ, उसके साथ क्या करेंगे। प्ले विथ, ही वुड प्ले विथ मी, वो मेरे साथ खेलेगा। आई वुड फीड हिम सम ब्रेड, उसको मैं कुछ ब्रेड खाने के लिए दूंगी। आई वुड मेक अ बेड बेड फॉर हिम, मैं उसके लिए एक छोटा सा बेड बनाऊंगी। इन अ होल, होल में छेद में उसके लिए छोटा सा बेड बनाऊंगी। फिर इसमें राइमिंग वर्ड है, टोलू मोलू पोलू भोलू सोलू टोलू। ठीक है, ये यू है ना, क्या है यू। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका, ये माइस और नाइस का चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी कंप्लीट करें साथ में।